वर्टिगो यानी चक्कर आना। यह सच है कि दुनिया का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे कभी न कभी वर्टिगो यानी चक्कर आने की शिकायत नहीं होगी। कई बार अकारण होता है तो कई बार कई सारी बीमारियों के कारण ऐसा होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। इस वीडियो में चक्कर आने जैसा अहम लक्षण की चर्चा में इस बात की चर्चा करेंगे कि यह लक्षण क्यों होता है, किन किन बीमारियों में यह लक्षण देखने को मिलता है, और अंत में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इसका इलाज तथा उपचार कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बता रहा था कि ऐसी बात नहीं है कि हमेशा किसी बीमारी के कारण ही वर्टिगो यानी चक्कर आता है। कई बार अकारण या मामूली वजह से भी चक्कर आने की शिकायत होती है। जब बचपन में हम उम्र साथियों के साथ हाथ पकड़कर गोल गोल जोर जोर से घूमते हैं और फिर अचानक से रुक जाते हैं तो मिनट डेढ़ मिनट के लिए सर घूमने लगता है, यह आम बात है। यह 2-4 मिनट के बाद स्वयं ठीक हो जाता है और इसके लिए कोई दवा खाने या इलाज कराने की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। कई बार किसी कारणवश जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो बेड से उठने पर पल भर के लिए सर घूमने लगता है। ऐसा लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। इस तरह के चक्कर आने पर इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ती। बीपी नॉर्मल होने की स्थिति में चक्कर आने की शिकायत स्वतः बंद हो जाती है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। इसके अतिरिक्त कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से चक्कर आने की शिकायत होती है। कई सारे कारण हैं इसमें। पहला कारण है ब्रेन से संबंधित, यानी कि ब्रेन में गांठ होने या फिर ट्यूमर हो जाने के कारण चक्कर आने की शिकायत होती है। दूसरा कारण कान को लेकर है। कान के भीतरी हिस्से में संक्रमण होने पर पस जमा होने या गंदगी जमा हो जाने या पानी जमा हो जाने की वजह से भी मरीज को चक्कर आने लगता है। इसका तीसरा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी गर्दन की हड्डियों के बीच गर्दन की नस जब दब जाने के कारण भी चक्कर आने या वर्टिगो की शिकायत होने लगती है। ऐसा सोते समय ज़्यादा होता है। अब चक्कर आने का चौथे कारण की चर्चा करें तो जैसा कि पहले बता चुके हैं कि लो बीपी जिसे पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं, इसके कारण भी और बीपी नॉर्मल होने पर यह शिकायत स्वतः दूर हो जाती है। ऐसा मरीज लेटे रहने के बाद अचानक से खड़ा होने पर आता है या मात्र कुछ सेकंड के लिए होता है और 2-3 मिनट के बाद स्वतः ठीक हो जाता है। इसका पांचवा कारण है पेसमेकर की। हार्ट रेट के अनियमित होने की स्थिति में भी इंसान को चक्कर आने लगता है। ये हार्ट से रिलेटेड कुछ बड़े कारण है। इसके अतिरिक्त हार्ट से रिलेटेड और कोई दूसरा कारण नहीं है चक्कर आने का। इसका छठा कारण है माइग्रेन जैसे रोग, अर्थात माइग्रेन जैसे मस्तिष्क रोग के कारण भी मरीज को चक्कर की शिकायत आमतौर पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कान की बीमारी जिसे मिनियर्स डिजीज भी कहते हैं, इसके कारण भी चक्कर आ सकता है। सातवां कारण हेड इंजुरी है, यानी कि सर में चोट लग जाने पर इंसान को चक्कर आने की शिकायत होती है। किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाने की स्थिति में चक्कर आने की शिकायत आमतौर पर होता है। इसका आठवां कारण एलर्जी या साइनोसाइटिस की वजह भी है, यानी कि एलर्जी या साइनोसाइटिस होने की वजह से भी कई लोगों को चक्कर आने की शिकायत होती है। यह तो हुई चक्कर आने के कुछ आम कारण। अब इस बात की चर्चा करते हैं कि इसका इलाज या उपचार क्या है। जहाँ तक इलाज या उपचार की बात है तो इसके लिए रोग से संबंधित विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। यदि मामूली कारण से चक्कर आता है या आ रहा होता है तो इसके लिए इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और वह स्वतः ठीक हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले कह चुका है। यदि कान में मैल जमा हो गया हो, उसके कारण से चक्कर आ रहा हो, तो कान की सफाई करा देने पर चक्कर आना स्वतः समाप्त हो जाता है।
कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं, इसके लिए भी संबंधित विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत होती है, जैसे सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के लिए न्यूरो सर्जन, कान के रोग के लिए ईएनटी सर्जन, या फिर गर्दन के लिए सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहायता तथा सलाह लेने की जरूरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्टिगो कई के कई कारण सामान्य होते हैं जो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और यदि किसी रोग की वजह से चक्कर आता है या आ रहा होता है तो इसका इलाज कराना जरूरी होता है। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पसंद आए तो हिंदी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।